Morning to all. I think so we welcome all the participant schools, all the teachers from various schools. Very good morning to all, and we are just waiting for the Guruji. Shortly we'll be joining. I think it is a day four. I hope all the painting works would have been got done. And tomorrow we'll be having the presentation. Whatever the work we did it, I request all the schools, all the school teachers in charge to take a photograph of it. And also, you know, share your experience. So get ready. Any one student and one teacher from an institute can share your experience with the Guruji, with other schools also. So please prepare for that. And also, we'll be taking a photograph like when the Guruji is on the screen. We like to request the schools one by one. Suppose if there is a, you know, ball of one. You can on the camera and just display the hard work that is done by the students as well as the teachers. And we'll be taking the screenshot and we'll be sharing it in the group. And tomorrow we'll be having the presentation at the end of the workshop. So it will get over by the 12. So 12 to 1, we'll be having the presentation. And so that is what a kind request from other schools. Thank you so much. Thank you, Master. You can continue with the hard work from the yesterday's works, whatever the painting has said, please carry on. Namaste, Guruji. We heartfully welcome you, Guruji, for the day four workshop. I think we can continue, Guruji, with the verse. Good morning, Guruji. Good morning. Good morning, every student. Good morning. Good morning.
थोड़ा सा कौन जो बच्चे लोग कैसे कैसे किया है दिखाएंगे थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज शो योर वर्क, स्विच ऑन योर कैमरा एंड शो योर वर्क टू गुरुजी। आप अपना कैमरा ऑन करके और गुरुजी को अपना काम दिखाइए। थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। आपने अभी तक जो भी काम किया है उसको थोड़ा सा जूम करके गुरुजी को अपना वर्क दिखाइए बेटा। May request all the participants to turn on the camera and to show the work. Okay. ये बच्चे किस पीछे में चल रहा है अभी अभी दिखाया जो। हाँ वही पे नहीं नहीं वो जो दोनों हाथ में दोनों जो पकड़ा हुआ है इसमें वो पेंटिंग के पीछे जो लड़की बैठा हुआ है उनका थोड़ा सा दिखाइए। वो अभी अभी देखा कि कौन करा दिया। बेटा नीचे भी कोई बच्चा दिखा रहा है उसको भी बोलिए वो दिखाए ऊपर की तरफ जूम करके। उदय मास्टर प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके मास्टर वेट 1 मिनट मास्टर। ओके ठीक है। हाँ उनका क्यों हुआ नहीं कलर फिलअप हुआ नहीं अभी अभी देखा है उनका। हाँ उनका हाँ उनका नाम क्या है अभी जो दिखा रहे हैं उनका कलर फिलअप नहीं हुए। हेलो मैम जी गुरुजी उनका गुरुजी। हाँ वो जो दिखा रहे वो जो लड़की लोग दिखा रहे हैं अभी अभी वो सामने बैठा हुआ है। हाँ उनका क्यों कंप्लीट हुआ नहीं उनको पूछिए। वो जो आना रहे वो जैसा जो दिख रहे हैं जो स्क्रीन को देख रहे हैं। बेटा आपका कलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गुरुजी पूछते हैं क्यों नहीं हुआ है। हाँ वही क्या था। हाँ उनका नाम क्या है जी हाँ ठीक है। हाँ इंदिरा मैडम आपके वहां पर है एक बच्चा जो दिखा रहा है उसका कलर पूरा नहीं हुआ है। ठीक है चलो। अजय मिश्रा सर आप कुछ कहना चाहते हैं। ओके ओके थैंक यू ठीक है बच्चे जी। अजय सर आप बोल सकते हैं। हाँ मैं अपनी पेंटिंग दिखाना चाह रहा था मैम गुरु जी को। दिखाएं जी जरूर आप बताएं। गुरु जी अजय मिश्रा सर की पेंटिंग देखिए आप। अजय मिश्रा अच्छा अच्छा टीचर अच्छा। हाँ जी टीचर है सर वो। थोड़ा सा क्लोज क्लोज
का थोड़ा सा डिफेक्ट है, और जो हंस है उनका गर्दन थोड़ा सा पतला हो गया, कोई प्रॉब्लम अजय सर, इज इट ओके? ओके जी? क्या मैम, गुरुजी ने जो कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, आप बताएं क्या कहा गुरुजी ने? हाँ गुरुजी, एक बार आप वापस कहेंगे? हाँ, इनका जो जो कृष्णा जी के पीछे जो काव है, जी हाँ, जी काव का थोड़ा सा डिफेक्ट है। जिसी तरफ सा जिसी हाथ में बांसुरी पकड़ा हुआ है ना, वही साइड में थोड़ा जी सा ज्यादा ज्यादा आ गया है काव का कलर। और अच्छा इसीलिए जहाँ पे हाथ में दिखा रहे हैं उन साइड में थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा पतला है, जी डिफेक्ट है। और जो नीचे जो हंस है वो उनका जो गर्दन है, बदन के हिसाब से जो गर्दन आ रहा है इसी से थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा सा मोटाई होगा। और सब ठीक है, वो फूल तो ठीक है, जी और सर सब ठीक ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। है गुरुजी, मैं सही करता हूँ सर। ओके ओके, थोड़ा सा देख के कर देंगे, जैसा है कि मैं तो पास में नहीं हूं ना, तो जी सुधारने के लिए ये जैसा है कि हमारा जो स्क्रीनशॉट मैंने दिए थे उनको जी थोड़ा सा फॉलोअप करिए। ठीक है गुरु जी, ओके थैंक यू, ओके। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, अब शुरू करें हम? हाँ, अभी वो तो हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी, वी आर स्टार्टिंग द वर्क अगेन। गुरु जी, पेंटिंग को आप थोड़ा सा कैमरे के सामने ले आइएगा। हाँ, गुरु जी, आज हम शुरू कहाँ से करेंगे? जी जो ऑर्नामेंट से है ना, वो ऑर्नामेंट को पहले क्लियर करना होगा। ऑर्नामेंट को जी जी ऑर्नामेंट के बाद वो फाइनल में ब्लैक लाइन कर देंगे। ओके इसके बाद और जो काम बाकी है, जैसे धोती के डिजाइन और पल्लू का जी डिजाइन और दुपट्टा का डिजाइन, ये सब को कंप्लीट करा देंगे। इसके जी बाद जो बाकी रहेगा कल तो पूरा खत्म होगा। जी उनका भी पेड़ होना चाहिए ना, वो कृष्ण भगवान का जो खड़ा हुआ है पीछे में एक पेड़ रहेगा, हाँ जी ऐसा के पेड़ रहेगा, ऐसा ही बदन में के जैसा कि सर्कल रहेगा दूसरे कलर का। हेलो हाँ, हेलो। ये येलो नहीं, ये वाला रहेगा, ये जैसा हाँ, ये भगवान के सिर के पीछे जो होता है ना सर्कल, चक्र चक्र चक्र। हाँ हाँ चक्र जो हाँ होता है। जी ये जो कलर है ना, वो जो दुपट्टा का जी यही कलर वहीं पे जी रहेगा, वहीं पे रहेगा। जी जी तो अभी ऑर्नामेंट करेंगे। हाँ जी सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुरु जी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्नामेंट्स द इन द सेम वे एज यस्टरडे गुरु जी वॉज डूइंग। ब्लू कलर के जो ऑर्नामेंट्स का डिजाइन बना रहे थे गुरु जी, उसी तरह से अभी भी वापस बनाएंगे। सो ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव एंड स्टार्ट वर्किंग। Thank you.
गुरुजी थोड़ा सा वर्क को जूम करके दिखाइए ताकि बच्चे उस चीज को देख पाएंगे। जी इज इट ओके नाउ स्टूडेंट्स लाइक दिस गुरुजी इज डूइंग। जी गुरुजी आप रखिए कैमरे को थोड़ा सा जूम कर, जूम भी कर देंगे तो गुरुजी दिखने लग जाएगा। हुआ गुरुजी हाँ बताए नाउ क्या कलर क्या यूज करना है जी? ये ब्लू है जो कृष्ण भगवान का जो कलर है ना वही कलर में लाइट होगा। लाइट ब्लू। अच्छा लाइट ब्लू है The same color Guruji is using for making the ornaments. Okay, Niju, fine. गुरुजी सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात गुरुजी गोल्ड सिल्वर यूज कर रहे हैं आप? नहीं ऑर्नामेंट के लिए ये वाटर कलर में कैसे यूज करें? ओके नहीं तो पहले पहले तो यूज होता था नहीं गोल्ड सिल्वर जो है हमारे पास वो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है वो यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं वो जो ऑर्नामेंट जो गोल्ड देंगे ना वो गोल्ड के पहले तो आपका ये डीप येलो दे के फिर इसके ऊपर गोल्ड तरह लगाना होगा फिर इसके ऊपर जो लाइन होगा डार्क मेरून में जैसा है कि रेड और ब्लैक मिलके जो कलर आएंगे इसको उसके ऊपर लाइन करेंगे तो ऑर्नामेंट देखा जाएगा। ओके फाइन फाइन थैंक यू गुरुजी। तो मैं आप कहेंगे तो हम बता के दिखा दूंगा एक। हाँ आप एक दिखा दीजिए। दिखा देंगे अभी? हाँ दिखा दीजिए।
ये जैसा है कि ये जो येलो दे दिया मैंने, हेलो, ये जैसा है मैंने येलो दे दिया, हेलो गुरुजी, हाँ जैसा येलो लगाया मैंने, हाँ येलो को येलो सूखने के बाद इनमें गोल्ड लगाना होगा। अच्छा, गोल्ड लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जैसा है कि रेड ज्यादा है और ब्लैक थोड़ा सा है, मिला के जो कलर आते हैं, अच्छा इसी कलर को इनको ऊपर, जैसा है कि एक ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट जैसे मैंने अभी किया है इनको, जैसा किया है ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंट की तरह आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने लाइन कर रहा है इसी हिसाब से आपको लाइन करना होगा, आउटलाइन देना है, आउटलाइन जैसे मैं अभी बताता हूँ। स्टिक पेन, स्टिक पेन यूज कर सकते हैं वहां पे, स्टिक, स्टिक पेन, स्टिक पेन जैसा हो, पेन, अच्छा पेन यूज करेंगे पेपर के ऊपर चला जाएंगे तो ये जैसा है कि कैनवास के ऊपर नहीं चलेगा, ये जैसा है कि देखिए ऐसा लाइन होगा, ये जैसा है ना आपको दिखाई जा रहा है, सॉफ्ट हुआ है, उतना सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्ट हुआ है स्टिक पेन में, सॉफ्ट नहीं होगा, नहीं सॉफ्ट नहीं होगा और जैसा फिनिशिंग भी नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आया जी, ओके ओके, थैंक यू। गुरुजी आप थोड़ा थोड़ा करके वापस एक बार कैमरा के पास ले आइएगा ताकि बच्चे आसानी से उसे कर पाएंगे। जी गुरुजी आप करिए।
गुरु जी क्या थोड़ा सा और जूम हो सकता है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। आप काम करते हुए इसको थोड़ा सा और जूम करके रख सकेंगे? नहीं ऐसा तो वो जैसा लास्ट 8-10 मिनट है हमारा जो कैमरा जी का। जी हाँ आप थोड़ा थोड़ा करके आप जूम कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। गुरु जी एकदम से क्लियर दिख नहीं रहा है, वो लाइट एकदम उस पे। हाँ अब ठीक है, वो एकदम ब्राइट बिल्कुल सफेद सफेद दिख रहा है अब। ठीक है अभी अभी ठीक है। हाँ जी ऐसे लग रहा है जैसे डायरेक्ट स्पॉटलाइट उस पे आ रहा है, थोड़ा सा लाइट। हाँ अब सही है। अब सही है गुरुजी आप कर। गुरुजी आपके राइट हैंड साइड से एकदम से लाइट मतलब फोकस ज्यादा कर रही है तो कलर नजर नहीं आ रहा है। हुआ जी लाइट अभी ठीक है। हाँ जी जी अब बिल्कुल ठीक है।
गुरुजी एक बार कमर बंद का जो आपने डिजाइन बनाया है वो एक बार डिटेल में बता दीजिए ऊपर देखकर। क्या? जो कमर में जो डिजाइन बनाया है ज्वेलरी का उनके वेस्ट वो थोड़ा सा जूम करके बता दें तो बच्चे पूरा कर लेंगे उसे। जी जी एक मिनट। जी ठीक है गुरु जी।
मोनिका मैम, गुरुजी एक बार वापस थोड़ा सा जूम करके बता दे, फिर आप कंटिन्यू करें। जी ठीक है।
गुरुजी ये माला पूरी कर ली है ना आपने, तो आप एक बार वापस थोड़ा जूम कर दें, एक मिनट। जी गुरुजी एक बार बांसुरी वाला जो भाग आपने अभी कंप्लीट किया है उसे जूम कर देंगे।
जी ठीक है। आप कंटिन्यू करें।
जी गुरुजी, एक मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। थोड़ा सा कैमरे की साइड लाइए आप। नहीं, ऊपर का भाग नहीं आ रहा है मुकुट का। हाँ, एक मिनट बस। जी
गुरुजी अब आप कौन सा कलर काम में ले रहे हैं? ब्लैक. ओके तो बच्चों अब गुरुजी ब्लैक कलर से लाइंस कर रहे हैं आउटलाइंस, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा. गुरुजी लाइट डायरेक्ट आ रही है तो वो शाइन कर रहा है थोड़ा सा जी. अब ठीक है जी, अब ठीक है. गुरुजी अभी भी एकदम से शाइन आ रही है. हाँ अब ठीक है. देखिए ये खिड़की खुला है ना, वो जैसा धूप आ रहा है इससे बोर हो जाता है, धूप चली जाती है तो ठीक हो जाती है. अच्छा 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 ठीक है गुरु. गुरुजी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो क्राउन में अपना खुद का डिजाइन बना सकते हैं? कहाँ पे? जो उनका मुकुट बनाया है आपने कृष्ण भगवान का, तो वो अपना डिजाइन खुद का बना सकते हैं? बना सकते हैं जी. हाँ बना सकते हैं. हाँ बेटा आप लोग बना सकते हो. ठीक है
गुरुजी बच्चे पूछ रहे हैं क्या वो मार्कर पेन से कर सकते हैं? ये पॉइंट फाइव ब्रश को चलाने में उनको दिक्कत हो रही होगी, तो वो पूछ रहे हैं कि वो मार्कर पेन से कर सकते हैं क्या? पॉइंट फाइव का कर सकते हैं बेटा आप लोग? नहीं नहीं मार्कर पेन है ना, कौन सा पॉइंट है जी? मार्कर पेन है, मार्कर पेन कौन सा नंबर है? अच्छा एक मिनट गुरुजी मैं पूछ कर बताती हूँ बेटा। विच नंबर मार्कर पेन इज देयर, जस्ट राइट इट डाउन। गुरुजी दो नंबर। दो नंबर तो नहीं होगा, एक नंबर हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, एक नंबर का अगर मार्क जी तो दो नंबर पे करेंगे तो थोड़ा सा मोटा ही हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला है कि एक नंबर पे करना है। ठीक है जी बेटा, एक नंबर के मार्कर से आप कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनली ये होता ब्रश से ही है ना? गुरुजी अब आप दुपट्टे का और जो इनका पहना हुआ है नीचे का पैरों में उसका पोर्शन दिखा देंगे थोड़ा जूम करके। ताकि बच्चे उसका डिजाइन देख लेंगे। गुरुजी थोड़ा सा आपके लेफ्ट की तरफ लीजिए, लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट, थोड़ा सा ऊपर, नहीं हाँ बस जी गुरुजी ठीक है।
गुरुजी आप थोड़ा सा मुकुट का पार्ट वापस बताएंगे, बच्चों का थोड़ा छूट गया है तो उनको देखना है। जी गुरुजी। अब गाय का भी अगर हो गया होता है। गुरुजी एक बार गाय का पार्ट भी दिखा दीजिए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ। एक मिनट गुरुजी। थोड़ा सा आपके राइट लीजिए। गाय का ट्रिप जी हो गया।
beta, all of you can see it.
गुरु जी आप बॉडी का आउटलाइन भी ब्लैक कलर से ही कर रहे हैं? हाँ जो फेस का भी आप आउटलाइन ले रहे हैं वो भी ब्लैक कलर ही है ना? जी गुरु जी दिख नहीं रहा है, कैमरे से बहुत नीचे की तरफ आ गया है।
गुरुजी यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया है, तो अभी कोई बच्चों का हो गया हो तो वो अगर आपको दिखाना चाहे तो मैं उन्हें कहूँ। हाँ दिखाए दिखाए बेटा, जिनका भी अगर कोई काम हुआ है देन दे कैन स्विच ऑन देयर कैमरा एंड शो इट। गुरुजी बच्चे दिखा रहे हैं आप देखें। बेटा उसको जूम करके दिखाना टॉप से लेके नीचे तक का पार्ट। ठीक है बेटा, इधर का जैसा है कि आंख ऊपर चला गया वो तो ठीक है। ये साहू साहू का ये जैसा कृष्ण भगवान का आंखों आई जी ऊपर ऊपर चला गया है। तनीषा आपको कह रहे हैं, तनीषा साहू की आंख ऊपर बन गई है, उसको थोड़ा सा नीचे लेना अगली बार, है ना। दिखा रहे प्रशस्ति दिखा रही है उसका, देखें आप प्रशस्ति। गगन भी दिखा रहा है आप उसका भी देखें। ठीक है ठीक है। साई स्नेहा भी दिखा रही है गुरुजी। गुरुजी बच्चे आपसे ना काऊ का पार्ट दिखाने की बात कर रहे हैं, उनको काऊ नहीं दिख रही है आपकी पेंटिंग में। अभी आप गुरुजी इसके पीछे क्या बना रहे हैं, कंपास काम में लेना है बच्चों को। हाँ ये जो सर्कल बनाना है। अच्छा बेटा यू कैन यूज योर कंपास एंड मेक अ सर्कल अराउंड द फेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण भगवान के सिर के पीछे जो गोल होता है, हेलो जिसको बोलते हैं हम, उसको बनाना है आपको कंपास से।
गुरुजी इसमें आप जो इनके येलो कलर ले रहे हैं वो कौन सा वाला कलर है? दुपट्टा का। अच्छा बेटा, ऑल ऑफ यू आर टू यूज द कलर ऑफ दुपट्टा।
can ask about your doubt. Hansini, you can ask about your doubt, Peter. Excuse me, sir. Okay. Guruji, the background which you did with the Krishnas before, can we use it with the orange? I did it with that. Again? Guruji, ये बोल रही है कि इन्होंने कृष्णा का background orange color से कर दिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? Orange color का? Yes, Guruji. दिखाइए. बेटा ये show it. गुरुजी हंसिनी है. हंसिनी शो इट. Hello. Hello, Hansini. Show it, beta, and ask. हंसनी अपना कैमरा ऑन करके बताओ बेटा गुरुजी को. गुरुजी आप सर्कल में कौन कौन सा कलर ले रहे हैं? पहले येलो लिया आपने, उसके बाद रेड. रेड. अब आप जो ये शेड दे रहे हैं वो येलो और रेड को मिक्स करके दे रहे हैं? नहीं, ये येलो का, ये रेड का थोड़ा सा पानी. जी, ये रेड का थोड़ा सा पानी वो जैसा हल्का करके. अच्छा बेटा, येलो के बाद उसका बॉर्डर रेड लाइन से देना है और रेड में पानी मिक्स करके उसको फैलाया है गुरुजी ने. थोड़ा सा ब्रश में पानी लेके थोड़ा सा उसको स्प्रेड किया है. गुरु जी एक बार उस पार्ट को थोड़ा सा जूम करके दिखा देंगे? हाँ हाँ, देखा है, देखा है.
गुरुजी थोड़ा सा नीचे रखिएगा इसे। जी ये डिजाइन का पार्ट आप जो कर रहे हैं ये किस कलर से कर रहे हैं गुरुजी? रेड 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 कलर। अच्छा बेटा यूज रेड कलर वेयर गुरुजी इज यूजिंग एंड डू द डिजाइन इन दुपट्टा। मैम जी गुरुजी ठीक है सही दिख रहा है। ओके जी
यहाँ पर भी आप लाल रंग का ब्रश, लाल रंग ही काम में ले रहे हैं ना गुरु? हाँ, जी लाल रंग कलर? का, लाल रंग। हाँ ओके बेटा, आपको इसमें भी रेड कलर से ही डिजाइन बनाना है। गुरु जी आप डिजाइन को थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे? क्या इसमें बच्चे अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं? हाँ नहीं तो जैसा है कि लाल रंग से जी बेटा, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट देन प्लीज सी व्हाट गुरुजी इज टेलिंग यू टू डू। ऐसे हो गया ना, लाल रंग से ऐसे ऐसे लाइन से छोड़ छोड़ के। आप रेड कलर से इस तरह से भी लाइंस दे सकते हैं, ऐसे कर देना ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा?
अगर ये हो गया है गुरुजी तो आप मुझे इसको जूम करके फोटो ले लेती हूँ मैं इसका। जी ले लिया गुरुजी मैंने। ओके गुरुजी आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। यस यस टीचर। हाँ वीडियो बंद हो गया है आपका गुरुजी। मैम गुरुजी आई थिंक लॉग आउट मैम। हाँ यस सर आई थिंक सो। वी विल वेट। ओके मैम टिल द टाइम ऑल ऑफ यू कैन डू व्हाट गुरुजी हैज टोल्ड।
Indira madam, can you please contact sir Guruji? He has not yet joined. Guruji has still not yet joined, so can you contact him and just ask him? Okay, ma'am, we'll contact. Yes, we are just contacting. Yeah, we'll do that. Okay, thank you. Thank you. Guruji will be joining very shortly. He has lost the network connectivity. He will be joining right. Okay, sir. Thank you. Yeah.
Yeah, you are visible, Guruji, now. Yes, Guruji has joined the class back. गुरुजी क्या हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया? हेलो 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 एम आई ऑडिबल टू ऑल? या यू आर ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल मैम. गुरु जी क्या पेंटिंग कंप्लीट हो गई है? हेलो. यस गुरु जी. हेलो, अभी कंप्लीट हुआ नहीं? अच्छा. गुरुजी यहाँ पर आप कौन सा कलर काम में ले रहे हैं? येलो का, डीप येलो का. बेटा ऑल ऑफ यू यूज डीप येलो हियर इन ग्रीन पार्ट. गुरुजी आपने जो चेहरे पे व्हाइट कलर से बनाया है वो एक बार पूरा जूम करके बता देंगे? थोड़ा सा कैमरे की तरफ लेकर आइए गुरुजी. जी जी गुरु जी, ठीक है. अब जो आपने ग्रीन पार्ट में येलो कलर से किया वो भी थोड़ा सा दिखा देंगे? एक मिनट गुरु जी. जी
गुरुजी अब आप पीछे की तरफ क्या बना रहे हैं? ऑरेंज कलर है ये? ये गेरू का है। अच्छा, गेरू का लाल रंग। बेटा आप लोगों को रेड कलर से करना है जो गुरुजी कर रहे हैं। रेड नहीं, ये गेरू का है। रेड और ब्लैक। हाँ, गेरू का रेड और ब्लैक मिक्स करके आपको ये कलर बनाना है और फिर उससे करना है।
गुरुजी पेंटिंग को थोड़ा इधर कैमरे की तरफ ले लीजिए आप जी। कल मैम? हाँ जी सर जी दिख रहा है। कल ये जो सीट है ना 7 इंच by 11 इंच ऐसे वो दो और एक सीट कल वो तैयार करना वो बच्चे के लिए। ये कल कलर करेंगे हम ऐसा? नहीं नहीं और दूसरा पेंटिंग कल होगा। अच्छा कल लास्ट डे है ना जी तो कल जो 3 घंटा है ना 3 घंटा में एक पेंटिंग कंप्लीट करना है कि छोटा सा है। अच्छा कल 3 घंटे में एक और पेंटिंग हम कंप्लीट करेंगे। जी तो जो पेंटिंग कंप्लीट करेंगे मैं आज व्हाट्सएप में ये स्केच दे दूंगा बच्चे को आप तैयार कर लेना। जी जी ठीक है आज गुरुजी एक स्केच भेजेंगे जो कल हमको बनानी है और उसको कंप्लीट करनी है। आपके कोऑर्डिनेटर टीचर्स सभी उसको आपके ग्रुप में भेज देंगे। आज की पेंटिंग के भी मैंने काफी सारे पिक्स डाले हैं टीचर्स ग्रुप में। प्लीज आप लोग सब शेयर कर दीजिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ में। गुरुजी कल जो पेंटिंग बनाएंगे उसकी शीट का साइज क्या रहेगा बच्चे पूछ रहे हैं। वही शीट है वही शीट है बेटा सेम साइज शीट यू हैव टू यूज। Yes, 7 inches by 11 inches. गुरुजी एक स्केच भेजेंगे इन टीचर्स ग्रुप में उसे बच्चों को शेयर करना है और कल बच्चे उस स्केच को बनाकर रेडी रखेंगे। वो पेंटिंग कल बनानी है जो कि नई शीट पर बनेगी। गुरुजी ये कौन सा ग्रीन है? जो ग्रीन मैंने बॉर्डर में बेस कलर दिया है। जी बेटा दिस इज द डार्क ग्रीन कलर विच वी हैव यूज्ड फॉर द बॉर्डर ड्राइंग डिजाइन दैट कलरिंग ना बेस कलर।
गुरुजी आप कौन से नंबर का पेंट ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं? चार नंबर, तीन या चार? चार, चार, तीन हो जाएंगे। बेटा बेटा यूज फोर नंबर ब्रश। गुरुजी से थोड़ा सा कैमरे की तरफ करिए। हाँ बस Excuse me, ma'am. Yes. Yeah, I'm teacher from
Bangalore. Yes, ma'am. Please. Jalahandi, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, in that form, yes, our school name people didn't mention, ma'am. Only Kendriya Vidyalaya is written there. Though other Kendriya Vidyalaya's names, it is there, mentioned there. So, I don't know why. Well, ma'am, actually, you can ask Indira madam regarding this. I'm just coordinating with her. Yeah, I am from another school, not from the school which is also. Yeah, so may I know her number? I don't know. Can you just pass this message to her? Yes, okay, yes, ma'am. Just wait 1 minute, ma'am. Yeah, sure. Just wait 1 minute. Indra teacher? Sure. You can speak to Indra, ma'am, please, sir. Yeah, ma'am, sure. Okay? Sure, sure. Guruji, ye yellow color se bana rahe hain aap? हाँ डीप येलो का बेटा ऑल ऑफ यू कैन यूज डीप येलो कलर ओके फॉर मेकिंग द और फ्लावर्स व्हाट इट इज ओ खाली का उठा outline with red color or orange color guruji red color inka out लाइन आपको रेड कलर इनके चारों तरफ आप डॉट लगा रहे हैं गुरुजी हाँ यस ये व्हाइट का बेटा ऑल ऑफ यू यूज व्हाइट कलर एंड पुट डॉट्स अराउंड दिस दिस आर द फ्लावर दिस आर द
गुरुजी ये व्हाइट से डॉट लगाए है ना आपने? हाँ, सिर्फ खाली जगह में। हाँ, डॉट डॉट डॉट। तो गुरुजी इसमें अभी और कुछ करना बाकी है या ये हो गया? ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको सीधा रख दें ताकि मैं इसका फोटो ले लूं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें गुरुजी, इसको थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा तभी नजर आएगा मुझे पूरा। जी एक मिनट, बस 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 बस। गुरु जी सीधा करना पड़ेगा इसे लिटिल मोर टुवर्ड्स योर लेफ्ट। ऊपर से राइट में लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे कैमरा की साइड। नो नो लिटिल मोर टू लेफ्ट। नहीं गुरुजी, लेफ्ट लिटिल राइट गुरुजी। गुरुजी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लीजिए। अब आपकी साइड लीजिए थोड़ा पास में आपकी तरफ। ऊपर। यस दिस इज करेक्ट गुरुजी, लिटिल यस यस यस। मेक इट स्ट्रेट जी। ओके मैम मेक इट स्ट्रेट इनफॉर्म गुरुजी। गुरुजी इसको है ना थोड़ा सा लेफ्ट में सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। हाँ इट इज ओके। सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द यूट्यूब लिंक? यस मैम। The students are asking. I will put in chat box, ma'am. Link. Okay, sir. Okay. All the schools, tomorrow we'll be having the presentation. Whatever the work that we did it out of all the 5 days, we'll be sharing with our Guruji. Guruji, tomorrow presentation time ke 1 to 2, is that fine, ji? Again? Workshop, 9 to 12 is the workshop time. Then 1 minute, 1 hour gap, then 1 to 2 students may presentation they karyaji. I think teacher, please help me that. 1 to 2 we just yes, like sir. To have a presentation. Yeah. Guruji, Guruji, aap bol rahe hain ki 9 se 12 ka time to hamara workshop ka rahega. To usme uske baad 1 ghanta break dekar क्या प्रेजेंटेशन के लिए बच्चों को टाइम दे दें 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में, 9 o'clock ताकि बच्चों ने जो काम किया है वो आपको बताएंगे। हाँ कितने बजे? 1 o'clock से 2 o'clock एक आवर 1 hour 12 1 घंटे का ये 9 से 12 वो तो क्लास होगा।
जी तो इसके बाद कितने टाइम में? एक घंटा बाद मतलब 12 बजे क्लास ओवर हो जाएगा। हाँ। चालू करेंगे तो 1 बजे शुरू करें तो उसमें बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे। अच्छा 1 बजे 1 से 2 खाली प्रेजेंटेशन रहेगा जो कि हाँ जी जिसमें हाँ। बच्चे बताएंगे आपको उन्होंने क्या काम किया इन 5 दिनों। अच्छा ठीक है ओके सर लिविंग फाइन। हाँ गुरुजी सेइंग इट विल बी फाइन। Okay, so one more information for student, the teacher participant also, I have sent a Google form link for regarding the report. So one student and one teacher should send the thing. So those who have sent, please send thumbs yes, up also ma'am. In the WhatsApp group. Thank you, teachers. Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank ma'am, you wait, so ma'am. Much. Wait, ma'am. We'll share screen yes, sharing. Yes, okay. Sir. Okay. Good afternoon. Here are the programs of 6-Make Anubhav 4 Intensive. Today afternoon from 2:30 p.m. to 5 p.m. as a part of music and prayer, we can listen to Turkish whirling dervishes, Gregorian chants, and Gurbani. And in the evening from 5:45 p.m. to 7 p.m. we can listen to Mridangam by Vidwan Umayalpuram K. Shivaraman and Vidwan Sikkal Gurucharan in Carnatic vocals. This program is being hosted by IIT Tirupati. Followed by Vidushi Kapila Venu's Kudiyattam from 7 p.m. to 9 p.m. And tomorrow, the 3rd June 2022, Friday, morning 4 a.m. to 5:30 a.m. we have Nad Yog by Ustad Vasifuddin Dagarji. 5:30 a.m. to 6:30 a.m. Hatha Yoga by Srimati Manju Jorari. And 6:30 a.m. to 7 a.m. meditation by Brahma Kumaris by Srinati. And as usual, intensives will start from 9 and will go up to 12. Thank you. Thank you, Guruji. We'll meet tomorrow. Yeah, thank you. We request all the schools to get ready with the presentation. And I think we'll be having the presentation duration 1 to 2. In between, we'll be having a break that is from 12 to 1. So 9 to 12. Will be the workshop time. Actually, we'll be doing the final stage of Pattachitra. I hope this is very clear. So in case of any queries, please reach out us through the WhatsApp. Thank you all. Thank you, Guruji. Thank you, sir. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Master and tech teachers. Thank you, everyone.